156 एकड़ में फैला यह है दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, जहां पूजे जाते हैं विष्णु के अवतार भगवान रंगनाथ। तमिलनाडु के श्रीरंगम डिस्ट्रिक्ट में बना है श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। आपको शायद विश्वास ना हो, पर यह मंदिर वैटिकन सिटी से भी बड़ा है। जी हाँ, लगभग 110 एकड़ में बसा ये देश एरिया के मामले में रंगनाथ स्वामी मंदिर से छोटा है। और अगर आप भी मेरी तरह फिटनेस फ्रीक हैं, तो इस मंदिर के 10 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर्स में लगभग 13,000 स्टेप्स तो चल ही लेंगे, है ना? चलिए अब इस विशाल मंदिर के परिसर की ओर नजर घुमाते हैं। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में 7 कंसेंट्रिक एनक्लोजर्स हैं। आखिरी वाला तो 3 किलोमीटर लंबा है। अंदर के 5 एनक्लोजर्स में मंदिर है और बाहर वाले 2 में समझो एक छोटा सा शहर बसा हुआ है। भाई वाह, ये मंदिर तो बिल्कुल एक टाउनशिप जैसा है। अब देखिए मंदिर का एक और खूबसूरत आकर्षण, द्रविडियन स्टाइल में बने इसके गोपुरम। गोपुरम दक्षिण भारत में प्रवेश का द्वार रहता है और कुल मिलाकर यहाँ पर 21 गोपुरम की स्थापना करी। और ये है गोपुरम का राजा, राजा गोपुरम। 236 फीट ऊंचा ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेंपल टावर है। पता है ये इंडिया गेट से लगभग 100 फीट ऊंचा है। अच्छा, अब एक और मजेदार बात सुनिए। तो 1920 से लेके अभी, मतलब कि 1987 तक नई बिल्डिंग्स वहां पर बनती गई हैं। इस मंदिर में जिस तरीके से नई बिल्डिंग्स की स्थापना हो रही है, आज तक कहीं नहीं देखा गया। वैसे इस मंदिर में एक और बहुत ही खास बात है, इसके अलग अलग हिस्से विभिन्न साम्राज्यों के दौर में बनाए गए हैं। मंदिर की जो इमारत हम आज देख रहे हैं, उसमें चोला, पांड्या, होयसाला और विजयनगर साम्राज्यों द्वारा किए गए अनेक बदलावों की झलक मिलती है। इस मंदिर की खूबसूरती ये है कि आपको हर काल की कोई एक अलग बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी इसकी बाउंड्री के अंदर। लेकिन मंदिर की खूबियां यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ सैकड़ों मूर्तियां, नेचुरल डाई से बनी पेंटिंग्स और एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस हैं, जो बीते वक्त में वापस ले जाते हैं। इस पर तो मतलब के एक PhD क्या अनेक PhD लिखी जा सकती हैं, क्योंकि हर काल के आपको शिलालेख वहां पर मिलते हैं। वाकई श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर का एक एक पत्थर भारत के इतिहास और कला का प्रतीक है। मुझे नहीं लगता ऐसा मंदिर कहीं और मिलेगा। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया।